हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज हम लोग टॉपिक करेंगे कि इमेज को या किसी भी फाइल को डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो है इंसर्ट और एडिट। सेलेक्ट कराना और डिलीट कराना कॉमन है, जैसा आप लोग करंट ऑपरेशन करते हो सेम वैसा ही है, लेकिन इंसर्ट और एडिट थोड़ा सा चेंज है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस बना लेते हैं, डेटाबेस का नाम हमने दे दिया इमेज, इमेज कुछ भी नाम देना। कोलेशन टाइप हमने सेव कर लिया, UTF 8 MB4 क्रिएट कर। टेबल टेबल मीडिया के नाम पे टेबल, हमको कॉलम कितने सेव करनी है, आईडी और फाइल, दो कॉलम करने हैं, तो हमने दो कॉलम बना लिया, आईडी और डॉक्यूमेंट। आईडी को हमने बना दिया प्राइमरी, डॉक्यूमेंट को हमने सेव कर दिया टेक्स्ट। ये हमारा क्रिएट हो गया डेटाबेस और क्रिएट हो गई टेबल। अब क्या हमें फाइल बनानी है ऐड करने के लिए, ठीक है, तो स्टेप पे चलते हैं, उसको फॉर्म कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप पे गए, बूटस्ट्रैप के फॉर्म पे गए, बूटस्ट्रैप फॉर्म, कॉपी कर लेते हैं डिजाइन। इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर दिया ईमेल add.php। हो गई फाइल ऐड हो गई। यहाँ अपन ने लिख दिया इमेज अपलोड, टाइटल में भी हमने लिख दिया इमेज। हमने तो सिर्फ एक ही फाइल लेनी है, हमने लिख दिया अपलोड फाइल, बाकी सारे इनपुट्स को डिलीट कर देते हैं। इनपुट टाइप फाइल, आईडी प्लेस होल्डर की जरूरत हमें है नहीं, ये हमें रखते डॉक। अब जब भी फाइल अपलोड करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि फॉर्म के अंदर इंक्रिप्शन टाइप होना जरूरी है, इंक्रिप्शन टाइप एट्रीब्यूट होना जरूरी है। अगर आप ये नहीं रखते तो आपका कोड वर्क नहीं करेगा। तो हमने इंक्रिप्शन टाइप रखते हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये फॉर्म हो गया रेडी। अब हम स्टार्ट कर देते हैं पीएचपी का कोड। पीएचपी का कोड, अब हमें क्या है, साथ ही साथ कनेक्शन फाइल बनानी होगी। तो कनेक्शन का कोड आप यहाँ से निकाल लेना नेट से, तो याद करने की जरूरत है नहीं, इससे ज्यादातर कॉपी पेस्ट ही करते थे कस्टमर। अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। हमने कनेक्शन का कोड ले लिया, सेव कर लेते हैं इसे। इसको क्या करा हमने, बाहर से अंदर सेव कर लेते एक फोल्डर पे, क्योंकि इंक्लूड के अंदर हमने सेव कर दिया कनेक्शन डॉट पीएचपी। ऑल टाइप सेव कर दिया हमने, यूजर नेम हो गया हमारा रूट, पासवर्ड हो गया ब्लैंक, और डॉलर डीबी हो गया हमारा
कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डेटाबेस का नाम जो भी हमारा ईमेल यू, ये हो गया हमारा डेटाबेस का नाम। MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, इसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया कि भैया इस डेटाबेस से हमें कनेक्ट कर दो। की को हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले इस फाइल को इंक्लूड करवा दो, इंक्लूड इंक्लूड स्लैश कनेक्शन डॉट पीएच। उसके बाद हम कोड स्टार्ट करते हैं। इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट, सबमिट बटन में नेम दे देते हैं हम, नेम सबमिट। अब लिखते हैं कोड, मैंने लिखा डॉलर फाइल नेम, क्योंकि भाई इमेज इंसर्ट करवानी है डेटाबेस में ठीक है, लेकिन वो अपलोड भी तो होनी चाहिए कहीं पे, तो हम पहले अपलोड का कोड लिखेंगे फिर उसे इंसर्ट करवाएंगे। मैंने लिखा डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स डॉक, और उसके बाद हो गया हमारा नेम डॉलर टेम्प नेम डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स डॉक टेम्प अंडरस्कोर नेम टेम्प नेम टीएमपी होगा, टीएमपी अंडरस्कोर नेम देख लेंगे क्योंकि मेरे को याद नहीं है फाइल अपलोड का वो भूल गया है। देखते हैं फिर भी, लिखते देखते मूव अपलोडेड फाइल, मूव अपलोडेड फाइल मैंने लिखा कि भाई क्या करो मेरे इस टेम्प नेम को अपलोड कर दो अपलोड फोल्डर के अंदर डॉलर फाइल। ये तीन लाइन का कोड होता है फाइल अपलोड करने के लिए, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे एक अपलोड के नाम से फोल्डर बनाना होगा जिसके अंदर फाइल अपलोड हो सके। तो ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं कि फाइल अपलोड हो रही है कि नहीं हो रही, फिर इंसर्ट का कोड लिखेंगे। इसको रन कर लेते हैं, लोकल होस्ट स्लैश कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने सेलेक्ट कर ली, इसको सबमिट कर देते हैं, चेक कर देते हैं फोल्डर, ठीक इमेज अपलोड हो रही है। अब इसी को क्या करना है, हमें इंसर्ट करवाना है, तो यहाँ पे क्या इंसर्ट की क्वेरी लिख देते हैं डॉलर एसक्यूएल इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या है मीडिया, इंसर्ट इनटू मीडिया, कॉलम का नाम है डॉक, वैल्यूज वैल्यूज में आपको रखना है फाइल नेम, क्योंकि क्या है हम डेटाबेस में फाइल का नेम इंसर्ट करवाते हैं, हमारी फाइल जो है फोल्डर में अपलोड हो गई उसका नाम डेटाबेस में इंसर्ट, तो हमने उसका नाम जो है लिख दिया। उसके बाद हम लिख देते हैं डॉलर रिजल्ट MySQL अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कॉन डॉलर, हमने कंडीशन लगा दी कि अगर डॉलर रिजल्ट मतलब ट्रू मिलता है, ट्रू मिलता है तो क्या करो इको कर दो डेटा इंसर्ट, एल्स इको एरर लिख, एरर। तो बहुत ही सिंपल है, देखो सबसे पहले क्या किया हमने फाइल अपलोड का कोड लिख दिया, अब इस वाले वेरिएबल में हमको क्या मिल रहा है फाइल का नेम मिल रहा है, उसको हमने क्या करा इंसर्ट करवा दिया। इमेज इंसर्ट ऐसे ही करवाते हैं डेटाबेस,
पहले फाइल अपलोड होगी, उसके बाद इंसर्ट होगा। चेक कर लेते हैं कोड, एक बार करके देखते हैं। इसे अपलोड किया, देखा ये चेक कर, देखो इमेज जो है इंसर्ट हो गई। तो ये है हमारा इंसर्ट का प्रोसेस कि कैसे हम इमेज को इंसर्ट करवाते हैं। ये सिंगल इमेज का प्रोसेस है, मल्टीपल इमेज के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख लेना। तो सिंगल इमेज का, सिर्फ सिंगल इमेज कर सकते और कोई भी फाइल कर सकते हैं, वो इमेज हो, पीडीएफ हो, कोई भी फाइल। अब देखते हैं सेलेक्ट कि ठीक है इमेज इंसर्ट हो गई, अब मुझे उसको प्रिंट करवाना है। तो एक फाइल बना लेते हैं हम index.php के नाम से, हमने फाइल बना, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह हम टेबल लगा लेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया ऑल इमेजेस, ऊपर भी चेंज कर देते हैं ऑल इमेजेस। उसके बाद इस कोड की हमें जरूरत नहीं है, इस कोड को हटा देते हैं। अब टेबल कर लेते हैं बूटस्ट्रैप से, कॉपी पेस्ट टेबल टेबल, कोई भी टेबल ले लेते हैं, ये टेबल ले लिया हमने। टेबल में से बाकी भी रो हटा देते हैं, सिर्फ एक रो रखेंगे और हमें सिर्फ इमेज प्रिंट करनी है। इमेज एडिट डिलीट, तो ठीक है इस रो से पहले डेटा को सेलेक्ट करवा लेते हैं। डॉलर एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मीडिया, तो ये जो भी डेटा है मीडिया फाइल में वो सब लेकर आओ। डॉलर रिजल्ट mysqli underscore query डॉलर कॉन डॉलर sql while डॉलर डेटा mysqli fetch array डॉलर रिजल्ट, तो भाई जो भी डेटा है उसको एरे की फॉर्म में लेकर आओ। तो ये हमारा लूप हो गया, इसमें वैल्यू प्रिंट करना है। इमेज एसआरसी देखो, जब हमने फाइल अपलोड कराई तो हमें तो पता होगा ना कि फाइल कहाँ अपलोड हुई, कौन से डायरेक्टरी में हमने करवाया था। तो हमने लिख दिया कि मुझे अपलोड्स में गई थी इमेज। अब डायरेक्टरी के बाद हमें क्या चाहिए, फाइल का नाम। फाइल का नाम हमने ऑलरेडी डेटाबेस में इंसर्ट करवा रखा है, तो यहाँ पे फाइल का नाम प्रिंट करवा दें, पीएचपी इको डॉलर डेटा डॉक, इसको सेव कर देते हैं। यहीं पे इनलाइन सीएसएस लिख देते हैं ताकि इमेज जो है थोड़ी तरीके से दिखे। मैंने लिख दिया हाइट 100 पिक्सल। अब यहाँ पे एडिट और यहाँ पे डिलीट, तो डिलीट का पहले देख लेते हैं। index.php question mark tell id, डिलीट करने के लिए हमें क्वेरी स्ट्रिंग की जरूरत होती है, तो echo डॉलर डेटा id एंड क्लोज डिलीट।
ये हो गया डिलीट का, एडिट का भी लिख ही लेते हैं, पेज बना लेंगे अभी, एचआरईएफ एडिट डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क एडिट आईडी पीएचपी इको डॉलर डेटा आईडी एंटर क्लोज एंड, तो चेक करते हैं आउटपुट से हटा देते हैं। तो देखो इमेज दिख रही है हमारी, तो ये हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट करते समय हमने क्या करा कि भाई जो इमेज का नाम था उसको एसआरसी में हमने प्रिंट कर दिया, डायरेक्टरी का हमें पहले से पता था कि कहाँ अपलोड होगी, इस तरीके से इमेज को सेलेक्ट करवाया जाता है। अब मेन काम करते हैं, देखो एडिट नहीं, पहले डिलीट कर लेते हैं, डिलीट इजी है, फिर दिखाऊंगा एडिट। तो डिलीट पे कुछ नहीं करना, जैसे हमने करंट ऑपरेशन में किया था सेम वैसे ही है। अगर आप लोगों ने करंट ऑपरेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लीजिए, तब उसके बाद आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इफ इज सेट डॉलर अंडर स्कोर गेट डेल आईडी, कि अगर डेल आईडी हमको मिलती है तो उसके बाद फर्दर काम करो डेल आईडी। तो मैंने लिख दिया डॉलर डेल आईडी इक्वल टू डॉलर अंडर स्कोर गेट डेल आईडी, क्वेरी लिख देते हैं भाई सेलेक्ट डिलीट फ्रॉम मीडिया वेयर आईडी डॉलर डेल आईडी, कि भैया डेटा को डिलीट कर दे जहां ये आईडी मिल रही है, डॉलर रिजल्ट माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर क्वेरी डॉलर कॉम डॉलर एसक्यूएल। हमने कंडीशन लगा दी कि अगर हो जाता है डिलीट रिजल्ट तो क्या करो दिखा दो, तो ये डिलीटेड हो गया डिलीट। एल्स इको एरर, तो ये हो गया हमारा डिलीट का कोड। एक बार चेक कर लेते हैं डिलीट करके, ऐसे तो एक ही इमेज है, देखो परफेक्ट हो गया डिलीट। इसमें क्या है, इसमें तो हेडर लोकेशन लगा देते हैं, हेडर लोकेशन इंडेक्स डॉट पी और इमेज इंसर्ट करके देख लेते हैं एक दो दोबारा से, क्योंकि एडिट करना है अब। तो इसी को हमने सबमिट कर दिया, एक दो और करा देते हैं, सबमिट कर दिए सबमिट, तो दो इमेज हो गई। अब इसको एडिट करते हैं, जो कि सबसे मेन है, जो बिगिनर्स जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं एडिट में। इसमें है थोड़ा सा लॉजिकल है, ये करंट ऑपरेशन में जैसे बाकी के इनपुट्स को एडिट करते हैं वैसा नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो इस एडिट को आप लोगों को सही से समझना, अच्छे से देखना है, ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक चीज सही से देखना है। तो देखते हैं, देखो एडिट के लिए क्या करेंगे, जो हमारा एड वाला पेज है इसी की कॉपी कर लेंगे एडिट। यहां पर हमने लिख दिया एडिट इमेज अपलोड, यहां पर हमने लिख दिया एडिट। अब देखो एडिट में सबसे पहला हमारा काम होता है डेटा को लेकर आना, तो ठीक है हमने लिख दिया यहां पे एक set dollar underscore get edit id, edit id है शायद, ठीक edit id, तो भाई edit id मिलती है तो dollar edit id equal to dollar underscore get
क्या करो, डेटा ले आओ। तो मैं लिखा डॉलर एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार कॉम मीडिया वेयर आईडी डॉलर एडिट, इसके बाद हमने लिख दिया डॉलर रिजल्ट माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कॉम डॉलर कंडीशन लगा देते हैं, अपनी कंडीशन की जरूरत है आपको। उसके बाद हमने लिख दिया डॉलर एडिट डेटा माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे डॉलर रिजल्ट। तो इसमें हमारा सारा डेटा आ जाएगा, तो इसको हमने कॉपी कर दिया। अब यहां पे देखो क्या करना है, अपलोड फाइल से पहले हमने यूज करा इमेज एसआरसी और अपलोड स्लैश पीएचपी इको डॉलर एडिट डेटा स्टॉक, ये इमेज दिया स्टाइल टाइप सोर्सेस, और इसके ऊपर हमने लेवल भी लिख दिया भाई ये ओल्ड ईमेल है। हम क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे यूजर को कि देखो आपने पहले ये इमेज इंसर्ट कर रखी थी ओल्ड इमेज। पहले इतना करके देख लेते हैं एक बार आउटपुट, ठीक है परफेक्ट है। डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना, ठीक है ओके ओल्ड इमेज। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि ठीक है हमने ओल्ड इमेज दिखा दी, अब इसमें जो लॉजिक होता है, लॉजिक ये होता है कि अगर मैं जो है ईमेज चेंज नहीं करना चाहता, मैंने सबमिट कर दिया, तो मेरी ये पुरानी वाली ईमेज रहनी चाहिए। अगर मैंने ईमेज चेंज करी है तो वो ईमेज अपडेट होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करना, एक इनपुट बना देंगे, इनपुट टाइप हिडन, नेम दे देना इसको ओल्ड इमेज, वैल्यू में आप क्या करना इमेज प्रिंट करवा देना, इमेज का जो भी नाम है इको डॉलर एडिट डेटा। ये हमने हिडन इनपुट बना दिया। यहां पे जो है ना, यहां पे थोड़ी सी कंडीशन लग जाएगी, इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, फाइल को अपलोड करो, एल्स कि भाई अगर नहीं एम्प्टी इसमें लगाएंगे इफ डॉलर फाइल्स नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देख लेते हैं कंडीशन लगा के कि ब्लैंक से चलेगा एम्प्टी से, ऊपर ध्यान नहीं रहा उसका को, तो कोई नहीं देख लेते। एल्स में हमने लिख दिया डॉलर फाइल नेम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ओल्ड इमेज, कि अगर हम इमेज अपलोड कर रहे हैं मतलब नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो अपलोड करो, अगर नहीं कर रहे हैं तो ओल्ड इमेज All images. अब यहाँ पे क्वेरी चेंज हो जाएगी, क्वेरी अपडेट वाली आ जाएगी यहाँ पे, तो इसको हटाते हैं। मैं लिखा अपडेट मीडिया सेट डॉट डॉलर फाइल में वेयर आईडी आईडी हो जाएगी हमारी डॉलर, डॉलर एडिट आईडी। यहां पर हम लिख देते हैं डेटा अपडेटेड,
करके देखते हैं इसे। सबसे पहले मैंने क्या करा कि भाई मेरे को इमेज अपलोड नहीं करनी, मैंने सबमिट कर दिया, ऐसे रीडायरेक्ट भी करना है, रीडायरेक्ट करवा देते हैं। हेडर, लोकेशन, इंडेक्स डॉट पीएचपी। अब चेक कर, सबमिट, ठीक है कि भाई सबमिट करने में दिक्कत नहीं कर रहा। एडिट, अब इमेज चेंज करके देख लेते हैं, परफेक्ट वर्क कर। तो इस तरीके से एडिट करते हैं। अगर आप ये इनपुट टाइप हिडन ओल्ड इमेज नहीं बनाते तो प्रॉब्लम ये होती, जैसे मैं एडिट पे गया, मैं इमेज चेंज नहीं कर रहा, मैंने सबमिट किया तो वो इमेज गायब हो जाती। क्यों? क्योंकि सबमिट करने पे उसे क्या होता, इमेज मिलती ही नहीं पुराने वाली क्या है, तो वो एम्प्टी कर देता आपकी, आपके डेटाबेस में जाते। इमेज एडिट के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि एक हिडन इनपुट बनाते हैं और ऊपर कंडीशन देते हैं कि भैया अगर इमेज अपलोड करनी है तो ये वाला प्रोसेस चलेगा, इमेज अगर अपलोड नहीं करनी तो पुरानी वाली इमेज अपडेट रहेगी। तो ये हमारी वीडियो थी पूरी स्टेप बाय स्टेप, कैसे इमेज को इंसर्ट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करवाते हैं, कैसे उसको एडिट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, आपकी हेल्प हुई इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।